हे गाइस माय नेम इज़ अनुष कुमार शर्मा एंड वेलकम टू अपनी कक्षा और आज यार एक नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है जावा फॉर प्लेसमेंट ठीक है द प्लेसमेंट कोर्स और मेरे साथ यहाँ पे अमन अतरवाल आपके भैया बैठे हुए हैं यहाँ पे और जब इसका यार हमने अनाउंसमेंट किया था तो आपने काफ़ी सारे डाउट्स थे आपके साथ काफी सारे क्वेश्चन काफ थे उनको एक बार क्लियर कर लेते हैं ठीक है तो डाउट पहला सर so, हम जब भी कॉलेज में प्लेसमेंट्स के लिए जाते हैं हाँ तो जो प्लेसमेंट में चीज़ें पूछते हैं क्या इस कोर्स से वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी ठीक है ठीक है ये काफ़ी बच्चों का डाउट था ठीक है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यार इस कोर्स में आप पढ़ने क्या क्या वाले हो तो सबसे पहले तो यार जावा ठीक है जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है सबसे पहले ये जान लेते हैं तो आप हो, ठीक है ह्यूमन और एक कंप्यूटर है दोनों बातें करना चाहते हो लेकिन आप इंग्लिश बोलते हो कंप्यूटर बोलता है जीरो, जीरो बाइनरी दोनों बात करने के लिए किसी एक मीडियम पे आके अटकोगे तो वो होती है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप भी समझते हो कंप्यूटर भी समझता है तो जावा भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यार और वो हम सीखेंगे बिगिनर टू एडवांस लेवल तक अगर बिल्कुल नहीं आती है आपको तो टेंशन मत लो आपने अगर इससे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं अलेवन ट्वेल्थ में नहीं थी तो भी बहुत अच्छा है आपके लिए ये कोर्स उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोडम्स अब ये क्या होते हैं भैया तो डेटा स्ट्रक्चर्स अब यार अब मैं अभी बताने लगूंगा ना आपको तो दो दिन निकल जाएंगे इसमें बताते बताते बट जान लेते हैं कि आपका जो मेमोरी होती है ना कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है उसमें जो आपका डेटा जो होता है ना वो किस तरीके से रखा होता है अलग अलग टाइप तरीके होते हैं वो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं उनके बारे में जानेंगे बाद में और एलगोर्दम्स बेसिकली क्या होती है कि कोई भी जो प्रोसेस होती है उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहिए उसके क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए वो एलगोर्दम होती है ठीक है बिल्कुल लेमेन शब्दों में डेटा स्ट्रक्चर एलगोर्दम्स हो गया और उसके बाद जो भी टेक्निकल कंपनीज में जो भी इंटरव्यूज होते हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स और उनके जो एक्सपीरियंस थे वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे तो इसके बाद यार आप कोई भी जो टेक्निकल इंटरव्यू होगा वो आप इजीली क्रैक कर सकते हो तो उसके बाद और क्या क्या डाउट यार सर कोई भी टेक्निकल इंटरव्यू मतलब चाहे माइक्रोसॉफ्ट की या डॉबी या अमेजोन ये सारी कंपनियों के लिए भी मैं प्रिपेयर हो जाऊँगा हाँ तो हर कंपनी जो जो भी कंपनीज होते हैं यार जितनी भी टेक्निकल कंपनीज होते हैं उन सब ने स्टैंडर्ड बना रखा है ठीक है हम हमसे क्या पूछेंगे वो एल्गोरिदम्स डेटा स्ट्रक्चर्स और कोई भी एक लैंग्वेज ठीक है अब लैंग्वेज इस कोर्स में हम जावा कराने वाले हैं एक दूसरा कोर्स है जो सी प्लस प्लस में होगा वो अभिषेक कराने वाला है तो कंपनीज़ को बेसिकली पसंद आता है एल्गोर्दम एंड डेटा स्ट्रक्चर उनको वो बच्चे पसंद आते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक्सपर्ट होने के लिए आपको बेसिक फंडे जो होते हैं एलगोर्दम्स के वो आपके क्लियर होने चाहिए तो चाहे कोई भी कंपनी हो अडोबी हो माइक्रोसॉफ्ट हो गूगल हो सबको बस वो बच्चे चाहिए जो अलगोर्दम्स और डेटा स्ट्रक्चर में अच्छे हों तो हम उसी पर फोकस करने वाले यार पूरा का पूरा जो हमारा ये कोर्स का ड्यूरेशन है उसमें से काफ़ी ज़्यादा चंक जो है वो एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर पर जाने वाला है तो ये कोर्स करने के बाद आप इन बड़ी बड़ी कंपनियों को भी जो आप सोचते हो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं लेकिन इनको भी आप आराम से निकाल सकते हो भैया ये कोर्स ख़त्म करने में कितना टाइम लगने वाला है हाँ ये काफ़ी बच्चों को था डाउट तो हमने डिसाइड किया यार ये कोर्स जो होगा वो फोर एंड हाफ मंथ्स का होगा उसमें से वन एंड हाफ मंथ्स में आपका जावा कंप्लीट होगा ठीक है और जो बचे हुए थ्री मंथ्स होंगे उनके अंदर आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स होगा और कोर्स कैसे होगा तो हर वीक हर वीक आपको 120 मिनट्स का जो लेक्चर होगा वो प्रोवाइड होगा आप बोलोगे आप 120 मिनट्स तो काफ़ी कम हो गए भैया 120 120 मिनट्स में क्या होने वाला है हमारा हम ट्वेल्थ के बच्चे हम बहुत ज़्यादा मेहनत करके आए हम 16 16 घंटे पढ़ते थे तो यार 120 मिनट्स ना प्रोग्रामिंग में काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको वन मिनट्स के साथ साथ आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे आपको वेरियस वेबसाइट्स पर आपको क्वेश्चन करने के लिए बोला जाएगा असाइनमेंट होंगे और हम मिल उन क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे तो आपको काफ़ी सारे असाइनमेंट्स मिलेंगे अगर आप डेडिकेशन के साथ उन असाइनमेंट्स को सॉल्व करते हो तो मैं गारंटी करता हूँ यार कि ये कोर्स करने के बाद आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर बिलीव करोगे कि आप कोई भी टेक्निकल कंपनी आराम से क्रैक कर सकते हो ठीक है और भैया मेरे को किसी ने कहा कि C++ प्लस प्लस इज बाप ऑफ ऑल एंड पाइथन इज दादा ऑफ ऑल क्यों पढ़ रहे ये ये कमेंट्स में पता नहीं क्यों आ रहा है कि C++ प्लस प्लस इज बाप ऑफ ऑल लैंग्वेजेज सी प्लस प्लस सच्ची में काफ़ी अच्छी लैंग्वेज और पाइथन भी ठीक है दादा फिर जावा मम्मी हो गई फिर जावा तो ठीक है नहीं तो क्या होता है ना कि हर लैंग्वेज के अपने अपने कुछ फ़ायदे हैं ठीक है C++ के अपने फायदे हैं जावा के अपने फायदे हैं और पाथन के भी अपने फायदे हैं ठीक है जावा करने के बाद यार फायदे क्या हैं आपके आपने जावा कर ली आपने कंपनी के लिए प्रिपेयर कर लिया उसके बाद आप चाहो तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट में जा सकते हो ठीक है एंड्रॉयड डेवलपमेंट में चले गए अच्छा नहीं मुझे तो बैकेंड में जाना है बैकेंड क्या होता है मतलब कि मुझे तो डेटा सर्वर जो बड़ी बड़ी चीज़ें होते हैं उनमें काम करने का मेरे को शौक है मेरे को उनके साथ खेलना है तो वो भी कर सकते हो आप जावा के साथ और फ्रंट एंड में जा सकते हो तो बेसिकली जावा करने के बाद आप बहुत सारी जो अदर स्किल्स होती हैं उनको डेवलप कर सकते हो ईजिली ठीक है तो जावा के ये फायद हो C++ के फायदे हो गए सी प्लस प्लस के फ़ायदे भी होते हैं काफ़ी सारे बट वो अलग लेवल के होते हैं ठीक है उनमें आप ओ एस विंडोज़ और आपका बिटकॉइन ये बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं ये आप ये सी प्लस प्लस में बनी होती है ठीक है गेमिंग काफ़ी सारे गेमिंग इंजन बने होते हैं सी प्लस प्लस में तो सबके अपने अपने फ़ायदे होते हैं पाइथन के अंदर आप मशीन लर्निंग के लिए वो बना हुआ है बेसिकली तो सभी लैंग्वेजेस के अपने अपने फायदे होते हैं इस कोर्स में हम जावा करने वाले हैं ठीक है तो मम्मी पापा दादा, दादा रिलेशन बनाने की जरूरत नहीं अपने आप से अच्छा भैया तो प्लेसमेंट के लिए बेस्ट लैंग्वेज कौन सी रहती है जावा या पाइथन ये सारे सेम लेवल पे हैं या कोई दो प्रेफर्ड है ठीक है ठीक है हाँ ये 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 तो काफियों को डाउट होता है मतलब कोरा पे क्वेश्चन देखोगे आप इस क्वेश्चन की तो भरमार रहती है कि कौन सी लैंग्वेज चूज करें क्योंकि सबकी फैली लैंग्वेज होती है क्या चूज करें तो बेसिकली यार एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है ठीक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का होती है अभी मैं बताऊंगा नहीं बट स जावा पाइथन और सी प्लस प्लस जावा पाइथन ये तीनों की तीनों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस होती है ठीक है तो आप उनमें से कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर लो ठीक है तीनों की तीनों सेम लेवल पर हो प्लेसमेंट के लिए बट एक क्या होता है कि जावा सी प्लस प्लस और जावा ये दोनों जो होती हैं ये दोनों लैंग्वेज मेजरली पूछी जाती हैं तो आपके जो कंपनी कम में जो एग्ज़ाम्स होते हैं सबसे पहला एग्जाम होता है आपका कोडिंग uh, राउंड तो कोडिंग राउंड में कई बार एम सी क्यूज़ में आपसे सी के क्वेश्चन सी प्लस प्लस के क्वेश्चन जावा के उससे रिलेटेड क्वेश्चन इनसे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने कभी नहीं देखा मैंने इतने सारे एग्जाम्स दिए हैं कि कभी भी कोई पैथन का क्वेश्चन पूछा हो बिकॉज पैथन बहुत कम लोग करते हैं सी प्लस प्लस जावा मेजर लोग करते हैं तो उन, उनके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं तो आई थिंक अगर आप प्लेसमेंट ओरिएटेड पढ़ाई कर रहे हो तो आप सी प्लस प्लस और जावा कर सकते हो बाद में यार अगर आप एक भी लैंग्वेज कर लेते हो उसके बाद कोई भी लैंग्वेज सीखना आपका 10 से 15 दिन का टास्क होता है ठीक है मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ अब थोड़ा थोड़ा लंबा हो रहा है यहाँ आंसर मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ क्या इलेवन में मेरे पास प्रोग्रामिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था ठीक है तो मैंने कॉलेज आया और तो अब अब तो आपके पास यार जियो है वन पॉइंट फाइव जी बी वन जी बी आपको डेली का मिल रहा है हमारे मेरे टाइम पे तो मतलब मेरा टाइम <laughs> मेरे टाइम <ताँप> पर <पे, laughs> मेरे टाइम पे यार एक जी बी होता था वन मंथ का कोई ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता नहीं था और मेरे सेकंड सेमेस्टर के बाद मुझे लैपटॉप मिला तो समझ सकते हो तो सब कुछ पी से बुक से पढ़ना पड़ता था तो जावा स्टार्ट किया मैंने तो जावा तो से स्टार्ट किया था ठीक है तो जावा स्टार्ट कर लिया तो अराउंड टू मंथ्स थ्री मंथ्स ये लग गए थे बट काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ा था क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं थी कुछ पता नहीं था कि कैसे क्या क्या पढ़ना है तो काफ़ी मेहनत लगी तो जावा जैसे तैसे करके मैंने करी उसके बाद जावा करने के बाद सोचा कि चलो एंड्रॉयड स्टूडियो भी कर लेते हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर लेता है तो उसके लिए एंड्रॉयड करा उसके बाद एंड्रॉइड किया उसके बाद फिर कॉलेज में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स करने थे तो कॉलेज प्रोजेक्ट्स के लिए फिर जावा uh, स्क्रिप्ट करी क्योंकि वेब वेब डेवलपमेंट में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स करने थे तो फिर जावा स्क्रिप्ट की उसके बाद फिर uh, कुछ और प्रोजेक्ट्स करने थे मशीन लर्निंग के तो उसके लिए पाइथन करी तो ये जो लैंग्वेजेस थी यार इन लैंग्वेजेस को स्पेसिफिक लैंग्वेजेस को सीखने में अराउंड टेन टू फिफ्टीन डेज़ का टाइम लगता है ठीक है तो लैंग्वेज आपके लिए कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती आपके जो कंपनीज जो होती हैं प्लेसमेंट के लिए आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग देखती हैं आपका माइंड कितना तेज तो चलता है ठीक है वो देखती हैं तो उनके लिए आपकी मेजर होते हैं एंड डेटा स्ट्रक्चर ठीक है तो ये आपके फंडे इसके क्लियर होने चाहिए तो लैंग्वेज कोई इतना वो एक कोई एक बड़ी लैंग्वेज एक छोटी लैंग्वेज ऐसा कुछ नहीं है भैया अगर मैं सिर्फ पूरे कॉलेज के दौरान सिर्फ जावा लैंग्वेज सीखूं तो क्या एक लैंग्वेज से मैं प्लेसमेंट क्रैक कर सकता हूं या मेरे को दो तीन लैंग्वेज सीखना जरूरी है आ, देखो ऐसा होता है अभी बता दिया कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होनी चाहिए एक और क्या होता है कुछ कुछ कंपनीज सभी कंपनीज में नहीं कुछ कुछ कंपनीज के जो टेक्निकल इंटरव्यू राउंड होते हैं आई I मीन mean, जो कोडिंग राउंड होता है सबसे पहला जो कोडिंग राउंड होता है उसके अंदर कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो सी लैंग्वेज के ओरिएंटेड होते हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज ओरिएंटेड होते हैं पॉइंटर्स के ओरिएंटेड होते हैं जो सिर्फ सी में पाए जाते हैं वो पॉइंटर्स वाले प्राणी वो जावा में नहीं पाए जाते तो वो क्वेश्चंस आप कर पाओगे जब आपको सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज की आपको थोड़ी मतलब पता होगा उसके बारे में जावा में ये सब चीज़ें नहीं होती तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कुछ आ, कुछ कुछ कंपनीज में लैंग्वेज ओरिएंटेड भी होती हैं बट मेजरली uh, आप जावा से या एक सी प्लस प्लस से भी कोई एक लैंग्वेज करके भी सीख जाओगे अगर ये पॉइंटर्स का है तो कुछ कुछ चीज़ें जो सी के ओरिएंटेड होती हैं जो जावा नहीं होती है में होती, वो भी आपको इस कोर्स में बता दी जाएगी बिकॉज ये कोर्स जो है आपका पूरा का पूरा फुलफ़िल करने वाला सारी रिक्वायरमेंट्स तो इसमें भी वो पूरा बता दिया जाएगा तो भैया जो पॉइंटर्स वाला पार्ट है सी का हाँ, हाँ हाँ वो टेंशन मत लेना यार वो जो भी पॉइंटर्स वाला पार्ट है जो भी जितने भी मतलब पूरा का पूरा ही कवर होने वाला है इस कोर्स के अंदर ठीक है आपका जावा आपका सी प्लस प्लस के अंदर भी जो पॉइंटर वाला पार्ट है वो उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर एलगोर्दम उसके बाद इंटरव्यू क्वेश्चन उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन तो होते रहेंगे पूरे टाइम ठीक है और आपके पास असाइनमेंट्स होंगे तो मतलब पूरा फुली फ्लैस्ड इसके बाद तो फोड़ दोगे भैया मेरे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है मैं बायोटेक ब्रांच का हूँ मेरे पास ईसी ब्रांच है मेरे पास कंप्यूटर साइंस नहीं है तो क्या ये कोर्स मेरे को फायदा करेगा क्या मुझे प्लेसमेंट के लिए पढ़ना चाहिए ठीक है तो यार आपके पास ब्रांचेज हैं जो कि नॉन टेक ब्रांचेज हैं ठीक है बेसिकली सी ओ आई टी नी के अलावा ब्रांचेज हैं और आपको बैठना है ठीक है टेक कंपनीज़ में आपको टैक टेक कंपनीज फोड़नी है और आपको डाउट है कि भैया ये कोर्स करके कुछ फ़ायदा होगा या फिर मैं सिर्फ नॉन टेक वाला ही हूँ तो नॉन टेक में तो भाई बिल्कुल गलत बात है ये कंपनीज़ जो होती हैं वो अलाउ करती हैं आपकी ब्रांचेज़ के बच्चे को भी अलाउ करती हैं और उस टाइम पर आपका जो एक बीटी वाला बच्चा भी होता है वो भी फोर्टी लैक्स का पैकेज आराम से फोड़ सकता है भैया बीटी क्या है तो बी टी आर बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी होती है बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच होती है तो उसकी ब्रांचेस के बच्चों को ज़्यादातर नॉन टेक वाली कंपनीज़ में बैठा होता है तो कुछ कंपनीज़ होती हैं जो उनको भी अलाउ कर देती हैं ठीक है और भी ब्रांचेज़ होती हैं मैकेनिकल हो गई आपकी ये सारी जो नॉन टेक ब्रांचेज़ हैं इनको भी टेक कंपनीज़ अलाउ कर देती हैं तो उस टाइम पर अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर आपका एलगोर्दम आपकी लैंग्वेज आपके ये सारे फ़ंडे क्लियर हैं तो आप स्टैंड आउट करोगे आप सी ओ आई टी वाले बच्चों के ऊपर भी जा सकते हो अगर आपके ये सारे फ़ंडे क्लियर हैं कंपनीज़ को फ़र्क नहीं पड़ता कुछ कंपनीज़ को फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी ब्रांच कौन सी है ठीक है तो ये तो आप दिमाग से निकाली दो कि अगर आप ए के अंदर हो या फिर आप एम के अंदर हो तो आप आप टैक कंपनीज में जा सकते हो कि नहीं जा सकते ठीक है मेरा कॉलेज इतना अच्छा नहीं है ग्रेड बी ग्रेड सी कॉलेज है तो आ, मेरे कॉलेज में इतनी कंपनीज़ नहीं आती तो मैं क्या कैसे अप्लाई कर सकता हूँ किसी अच्छी कंपनी में क्या अच्छी कंपनी मेरे जैसे बच्चे को लेती है और अगर मैं इस कोर्स में को बहुत अच्छे से मैंने पढ़ लिया मेरे जावा डी एस एल वो बहुत स्ट्रॉग हो गए तो क्या मैं एक अच्छा बीस लाख से ऊपर का पैकेज ले सकता हूँ कहीं पे ठीक है नहीं बीस लाख का क्यों यार फिर तुम चालीस लाख का भी ले सकते हो अगर तुम्हारे क्लियर फंड है तो देखो क्या होता है कुछ कॉलेजेस होते हैं जिनके अंदर कंपनीज नहीं आती हैं ठीक है कुछ कॉलेज होते हैं छोटे कॉलेज होते हैं जो बी कॉलेज होते हैं बी टी आर बट उनमें क्या होता है कंपनीज जो होती हैं वो बाहर से हायरिंग करती है ठीक है ऑफ कैंपस हायरिंग करती है थ्रू लिंक इन उनकी वेबसाइट पर वो डाल देती हैं कुछ कंपनीज़ होती हैं जो आजकल स्टैक ओवर फ्लो पर भी डालने लगे हैं काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं यार जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे उतना ज़्यादा देखोगे कि काफ़ी सारी कंपनीज़ जो होती हैं वो बाहर से भी ऑफ कैंपस हायरिंग करती हैं तो तुम्हारे अगर डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोर्दम्स ये सारे फंडे क्लियर हैं ये तुम्हारे फंडे स्ट्रॉग हैं तो तुम वहाँ से अप्लाई कर सकते हो और ईजिली उन कंपनीज में भी ट्वेंटी लैक्स का फोटी लैक्स का ये पैकेज आप ग्रैप कर सकते हो भैया मेरे को पता नहीं है ऑफ कैंपस कैसे अप्लाई करते हैं आप सिखा दो के बता हाँ ये 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 यार ये जो बता यहाँ पे लिखा ना इंटरव्यू क्वेश्चंस ये थोड़ी अंडर स्टेटमेंट्स है इसके अंदर साथ में इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस और कैसे कैसे कहाँ अप्लाई करना है क्या, क्या क्या करना है ये सारा का सारा आपको इस फोर एंड हाफ मंथ्स के कोर्स में पूरा बताया जाएगा कि आपको कहाँ से क्या करना है कहाँ से क्या करना है ठीक है आपको एक डायरेक्शन दी जाएगी ठीक है ये सारी जो चीज़ें ना यार ये एक्सपीरियंस ग्रेअप करने में यार पूरे चार साल लग गए थे ठीक है और ये आपको फोर एंड हाफ मंथ्स में बता दिया जाएगा तो आपको पूरी डायरेक्शन होगी आपको बेस बेसिर पैर के यहाँ वहाँ भागना नहीं पड़ेगा ठीक है आपको पूरी गाइडेंस दी जाएगी और सब कुछ बताया जाएगा कि कहाँ से कैसे कैसे प्लेसमेंट के लिए बात करनी है किससे बात करनी है और कहाँ पे अप्लाई करना है कहाँ अप्लाई नहीं करना है और कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है वो सब आपको यहाँ पे बताया जाएगा भैया मैं बी का स्टूडेंट हूँ या फिर मैं बी कंप्यूटर साइंस का बच्चा हूँ तो क्या मुझे भी कोडिंग सीखनी चाहिए क्या मैं भी अगर इंजीनियरिंग के दौरान सीख लूँ मैं ऑफ कैंपस अप्लाई कर सकता हूँ मेरे को कुछ फ़ायदा है ये सीख या क्या ये नेसेसिटी है आज के दिन देखो भाई आजकल यार सॉफ्टवेयर में तो बूम आया ही आपको भी दिख रहा है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंडिया में तो बूम आया है ठीक है तो फ्यूचर में तो इन्हीं की डिमांड होने वाली है ठीक है जितनी भी टेक कंपनीज हैं इसकी डिमांड आजकल बहुत ज़्यादा है तो अगर आप बी या फिर ऐसी बी ये सब आप करते हो तो भी आप अगर सॉफ्ट कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कोई एल्बोदम और डेटा स्ट्रक्चर ये आप अपने फंडे क्लियर कर लेते हो तो आप इन कंपनीज़ में इजीली जा सकते हो क्योंकि इन कंपनीज़ को डिमांड है इन कंपनीज को बंदे चाहिए इन कंपनीज़ को चाहिए कि अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल वाले बंदे हमारे पास आएँ अच्छे इंजीनियर हमारे पास आएँ तो उनको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि आपने बी सी ए कराता बी एस सी कराता एज लॉन्ग एज आप इन चीज़ों में स्ट्रांग हो भैया आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट कब सिखाओगे देखो यार ये कोर्स जो होगा इस कोर्स में आपको जावा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में ये सिखाया जाएगा फोर एंड हाफ मंथ्स में ठीक है इसके बाद अगर आपको एंड्रॉयड भी सीखना है तो उसके लिए एक अलग कोर्स बनाया जाएगा ठीक है अलग कोर्स मैं ही बनाऊंगा तो आपका क्या है आप जावा करने के बाद एल्गोरिथम में डेटा स्ट्रक्चर कर सकते हो जावा करने के बाद आप एंड्रॉयड भी कर सकते हो तो जावा तो आपको कर लेना चाहिए यहीं पर ही उसके बाद आप एंड्रॉयड में मूव कर सकते हो जब एंड्रॉयड का कोर, कोर्स स्टार्ट होगा अगर आपको सिर्फ एंड्रॉयड करनी है अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर कर लिया और आप फिर भी एंड पढ़ना चाहते हो तो आप तब भी आप वहाँ से शिफ्ट कर सकते हो बट डेटा स्ट्रक्चर क्योंकि आजकल कंपनी की डिमांड से ये कंपनी इसी के बेसिस पे अपना सिलेक्शन करती है तो सबसे पहले हम इसी पे ज्यादा फोकस करेंगे और फिर उसके बाद एंड्रॉइड डेवलपमेंट भी कराएंगे भैया मैं फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा हूँ अभी जस्ट हाँ। कॉलेज में एडमिशन लिया है हाँ। तो भैया बोलते हैं कि भाई एक्सप्लोर करो सारी चीजें तो मैं अभी पहले कॉलेज एक्सप्लोर कर लूँ गर्लफ्रेंड फ्रेंड वर्लफ्रेंड बना लूँ प्लेसमेंट तो फाइनल ईयर में होती है तो मैं थर्ड ईयर में पढ़ लूंगा हाँ अभी पढ़ना जरूरी है ठीक है तो ये यार ये काफ़ी बड़ा मिसकनसेप्शन है ठीक है काफ़ी बड़ा मिसकनसेप्शन है कि फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट स्टार्ट होती है तो तभी पढ़ेंगे अभी तो कॉलेज में नए नए आए यार थोड़ा घूमेंगे थोड़ी गर्लफ्रेंड्स बनाएंगे यार थोड़ा मजे करने दो यार भैया अभी से आप क्या बोल रहे हो ये पढ़ो ये पढ़ो ठीक है तो नहीं यार ऐसा होता है सुनो ये चीज़ जानने में हमें लग गए थे दो साल अभी आपको कॉलेज में जाते ही बता देता हूँ पहले ही सेकेंड ईयर के बाद मतलब थर्ड ईयर की स्टार्टिंग के भी अगस्त में आपकी इंटर्नशिप के लिए कंपनीज आती हैं तो अगर आप फर्स्ट और सेकेंड ईयर में मजे करने लग गए और फिर सोचा कि अरे अब अब इंटर्नशिप के लिए कंपनीज आ रही हैं तो चलो अब पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो आप इंटर्नशिप खो दोगे और यार सबसे बढ़िया फंड है, है मैं बता रहा हूँ आपको अगर कॉलेज में ऑन कैंपस प्लेसमेंट लेनी है ना अगर आपको तो बेस्ट चीज रहेगी कि आप इंटर्नशिप के थ्रू पी, -पी ले लो इंटर्नशिप के थ्रू पी, -पी क्या होता है भाई भैया इंटर्नशिप कब होती है सेकेंड ईयर के बाद होती है यार हाँ ईयर के बाद ठीक है? है तो इंटर्नशिप यार आपकी जैसे सेकेंड ईयर खत्म हुआ और थर्ड ईयर जब स्टार्ट हो रहा है अगर अस्त स्टार्ट हो रहा है ना थर्ड ईयर का अगस्त उसी टाइम आपकी कॉलेज में कंपनी आने लग जाती है इंटर्नशिप के लिए ठीक है तो आप आपकी कंपनी जाने लगी इंटर्नशिप के लिए और इंटर्नशिप में क्या होता है फायदा और आपको मैं क्यों कह रहा हूं कि आपको इंटर्नशिप लेके पीपीओ लेना चाहिए बिकॉज देखो इंटर्नशिप के अंदर आपका एक टेक्निकल राउंड होगा बेसिकली एक रिटर्न टेस्ट होगा और एक टेक्निकल राउंड होगा बस किसी किसी में दो राउंड हो जाएंगे टेक्निकल बस इतना होता है आप वहीं फुल टाइम प्लेसमेंट में चले जाओ तो एक तो रिटर्न टेस्ट होगा ही होगा उसके बाद हो सकता है कि एक और टेस्ट ले लें वो रिटर्न टेस्ट में उसके बाद हो सकता है कि वो तीन राउंड लें उसके बाद हो सकता है वो चार राउंड लें तो लगातार तीन चार राउंड होते रहते हैं तो उसमें तो भाई बहुत मुश्किल आता है लेकिन अगर आप आपने पहले ही फर्स्ट सेकंड ईयर में पढ़ के आपने इंटर्नशिप ग्रैप कर ली एक अच्छी कंपनी में आपने माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप ग्रैप कर ली आपको पी मिल जाएगा वो कंपनी आपको जब इंटर्नशिप करोगे उस कंपनी में अगर उस कंपनी को आपका काम पसंद आया जो पसंद आ ही जाता है अगर आप अच्छा काम करोगे तो पसंद आएगा ही ऑफकोर्स तो वो कंपनी आपको बोलेगी भाई तू ऐसा कर मेरे यहाँ ही रुक जा तू कहाँ भार भाग रहा है भाई तू यहीं रख तो वो आपको वहीं पकड़ लेगी और आपको फिर बाकी किसी और प्लेसमेंट सीजन में बैठने की ज़रूरत ही नहीं है तो आपने क्या किया फ़र्स्ट सेकंड ईयर में जब बाकी लोग मज़े कर रहे थे तब तो आपने कोडिंग की उसके बाद थर्ड ईयर में आपने प्लेसमेंट सॉरी थर्ड ईयर में आपने इंटर्नशिप ले ली उसके बाद थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर आप कर रहे हो मज़े अब अब करो ना? अब वो अपने वो जो एक्सप्लोर वाले शौक थे ना वो तुम अब अब एक्सप्लोर करो भैया ये जो आप कोर्स अपलोड करोगे हाँ। तो वीडियो कौन कौन से डे आएंगे कोई है, कोई टाइम होगा, आप टाइम बता दो मेरे को, मैं उस आ है, तो टाइम तो यार एक वीक में वन ट्वेंटी मिनट्स का वीडियो अपलोड होगा ठीक है वो आपका डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा टॉपिक चल रहा है अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो छोटा सा है और उसके क्वेश्चंस भी छोटे छोटे हैं तो आपके हो सकता है ट्वेंटी मिनट्स टेन मिनट्स के चंक हो वो डिवाइड कुछ हो सकता है कोई टॉपिक बहुत बड़ा है तो उस टॉपिक में हो सकता है आपका फोर्टी मिनट फिफ्टी मिनट का भी वीडियो बन जाए तो ऐसा कोई डिसाइडेड नहीं है बट आपको एक वीक के अंदर वन ट्वेंटी मिनट्स का जो होगा एक कंटेंट जो लेक्चर कंटेंट होगा वो आपको मिलेगा ही मिलेगा तो आपका अल्टरनेट डेज पे या फिर हो सकता है डेली ही आपको मिल जाए तो ये ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं है बट ये डिफाइंड है कि आपको एक वीक में वन ट्वेंटी मिनट्स का कंटेंट तो मिलना ही मिलना है भैया तो बहुत कम होता है मैं तो एक दिन में पढ़ लूंगा इतना एक दिन क्या करूँगा हाँ तो अभी तुम लोग यार अभी इलेवन ट्वेल्थ से पढ़ के आए हो मतलब मुझे पता है तुमने जेई मीस के लिए पूरा सोलह सोलह घंटे पढ़ा था तो मैं वन मिनट्स तो क्या ही लग रहा हूँ कि यार वन मिनट्स एक वीक में क्या बोल रहे हो बट यार 120 ट्वेंटी मिनट्स ना प्रोग्रामिंग में ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ठीक है 120 ट्वेंटी मिनट्स अगर आपने ये 120 ट्वेंटी मिनट्स डेडिकेट कर दिए और उसके बाद जो मैं आपको असाइनमेंट्स दे रहा हूँ उसके बाद जो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ उसके बाद जो मैं कह रहा हूँ कि इस वेबसाइट पर जाओ इसका ये क्वेश्चन ये करो ये क्वेश्चन करो अगर आप ये लोग करते हो तो आपका काफ़ी टाइम स्पेंड हो जाता है आपका डेली का यहाँ पर फोर आवर्स तक जा रहा है अगर आप डेली का फोर आवर्स नहीं आपका डेली का टू आवर्स भी दे रहे हो ना यहाँ पे तो आपका मोर देन सफिशेंट है ये तो आपका ये अगर आप रूटीन आप फॉलो करते हो आप फोर एंड हाफ मंथ्स के लिए मेरे साथ तो आपका का आपको भी लगेगा आपके अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ यार मैं अब तो मुझे लग रहा मैं माइक्रोसॉफ्ट तो फिर निकाल के ही आऊँगा तो ये वन ट्वेंटी मिनट्स से ये छोड़ दो कि बहुत कम है ये आपका इसके साथ असाइनमेंट मिलेंगे जो आपको फुल्ली डेडिकेशन के साथ आपको करने होंगे हुँ। जितने भी आपके डाउट्स थे आई होप मैंने सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए होंगे फिर भी अगर कुछ डाउट्स बच गए यार किसी के भूले भटके किसी बंदे के बच गए डाउट्स तो यार वो दोबारा से पूछ लेना ठीक है अपने दिल में मत रखना अब जावा का ये कोर्स स्टार्ट कर लेते हैं तो अब मैं ये जो स्लाइड्स है आप मैं अब आप मैं आपको आप दिखाने वाला हूँ कि इस कोर्स में आप क्या क्या सीखने वाले हो ठीक है और जावा बेसिकली क्या है जावा क्यों यूज़ करते हैं ठीक है जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छा इसका मतलब क्या है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपको मैंने पहले बता दिया था कि आप ह्यूमन एक कंप्यूटर है और दोनों को बात करनी है आपस में कंप्यूटर पर आपको काम करना है कुछ लेकिन कंप्यूटर को आप बोलोगे हे कंप्यूटर डू दिस तो वो सीरी ऐप एलेक्सा नहीं है वो करेगा नहीं ऐसे ठीक है उसके लिए आपको एक लैंग्वेज एक बैरियर चाहिए जो आपको क्रॉस करना है तो दोनों आप और कंप्यूटर बोलोगे ठीक है हम दोनों ना इस लैंग्वेज पर बात करते हैं ठीक है ये तेरे को भी समझ में आ रही है मुझे भी समझ में आ रही है तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आप भी समझ सकते हो कंप्यूटर भी समझ सकता है और आप इस पर काम कर सकते हो जनरल पर्पज़ है इसका मतलब आप इसे काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो आज जावा काफ़ी सारे डिवाइस में यूज़ होता है काफ़ी जगहों पर यूज़ होता है तो ये जनरल परपज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई इट इज़ लाइक सी प्लस प्लस बट विद एडवांसड एंड सिंप्लीफाइड फीचर्स अच्छा यहाँ पे यार सी प्लस प्लस की बुराई नहीं कर रहा बट इट इज़ लाइक सी प्लस प्लस लेकिन सी प्लस प्लस के अंदर uh, जैसे सी प्लस प्लस जैसा इसका सिंटैक्स है तो जो भी इसमें आप देखोगे जैसा इसका स्ट्रक्चर है इसमें करली ब्रेसिज पूरा फंक्शन डिफाइंड मतलब जो भी अभी आपको समझ में भी नहीं आ रहा है मुझे पता है बट uh, टेंशन मतलब ये धीरे धीरे समझ में आएगा जैसे जैसे हम कोर्ड में मूव करेंगे बट सी प्लस प्लस जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है पूरा बट सी प्लस प्लस के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती है जैसे कि डायरेक्ट को हम एक्सेस कर सकते हैं ठीक है थीके? वो काफ़ी ज़्यादा कई बार हार्मफुल हो जाता है मतलब कई बार वो अनसेफ होता है तो वो आप इसमें जावा में नहीं कर सकते और इसमें काफ़ी सारे सिम्प्लीफाइड फीचर्स होते हैं जो C++ में नहीं होते तो एक तरीके से अपग्रेडेशन है बट इसमें C++ प्लस प्लस की प्राइड नहीं कर है बिकॉज सी प्लस प्लस की अपनी खुद की खूबियाँ अच्छा कनकरेंटली एग्जीक्यूट्स मैनी स्टेटमेंट्स इसका मतलब क्या है कि आपका जो प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम में लाइन्स लिखे होते हैं एक लाइन दो लाइन तीन लाइन आठ लाइन तो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है जिनके अंदर लाइनें एक के बाद एक एग्जीक्यूट्स होते हैं तो अगर मान लो एक लाइन एग्जीक्यूट होने में एक सेकंड ले रही है एक लाइन रन होने में एक सेकंड ले रही है तो आठ लाइनें रन होने में आठ सेकंड लेंगी ठीक है लेकिन आज के आपके कंप्यूटर में मल्टी कोर प्रोसेसर होता है ठीक है मल्टी कोर कोर प्रोसेसर मतलब काफ़ी सारे सी एक साथ रन हो रहे हैं ठीक है तो जावा इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है जावा मल्टी कोर्स पर रन हो सकता है तो जावा क्या करेगा जावा में कई बार कुछ प्रोग्राम्स ऐसे तो होते हैं जो आप उसमें मल्टी कोर्स पर रन कर सकते हो आप क्या करोगे आठ लाइन का कोड है ना आप क्या करोगे चार लाइन इस वाले कोर पर चार लाइन इस वाले कोर पर और साथ चलाओगे ठीक है तो जो चीज़ पहले एट सेकेंड्स में एग्जीक्यूट हो रही थी एट सेकंड में रन होती थी वो चीज अब फोर सेकेंड में रन हो रही है ठीक है फोर्थ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ठीक है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है कि इसके अंदर जितनी भी चीजें जितनी भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो रियल वर्ल्ड से काफी ज़्यादा मैप करती हैं ठीक है तो सपोज आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें आपको एक क्लास है क्लास के अंदर एक टीचर होता है स्टूडेंट्स होते हैं टीचर का नाम होता है कुछ स्टूडेंट्स का नाम होता है स्टूडेंट की क्लास होती है तो बेसिकली ये आपको देख रहा है एक रियल वर्ल्ड सिनारियो है तो वो रियल वर्ल्ड सिनारियो को डिपिक्ट कर सकते हो आप इजीली इस जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर तो ऑब्जेक्ट ओरिएटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब यही है कि जो रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप ईजीली हैंडल कर सकते हो जावा की आपसे अच्छा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? कि यार ये जो लैंग्वेज है ना ये प्लेटफॉर्म पर डिपेंड नहीं करती प्लेटफॉर्म मतलब जो आपके ओ एस होते हैं डिफरेंट जैसे कि आपका विंडोज़ हो गया आपका मैक ओ एस हो गया आपका लिनक्स ओ एस हो गया अब ये मैक ओ एस लेनस ओएस क्या है? यार जो मैक जो होता है आपका बेसिकली जो एप्पल के लैपटॉप्स होते हैं उनमें मैक ओएस होता है लिनक्स भी एक ओएस होता है जैसे वो टू करके एक ओ एस आता है जो लिनक्स के ऊपर भी बना हुआ है ठीक है तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो ओ एस होता है इनके ऊपर रन होता है बेसिकली एग्जाम्पल समझना तो आप ये समझ लो कि जैसे आपका गाड़ी है एक फरारी है तो फरारी आप सिंपल एक रोड पर चल रही है ठीक है तो वो एक प्लेटफॉर्म पर चल रही है एक रोड पर बट आपकी एस यू वी है वो माउंटेन पर भी चल जाएगी ठीक है रोड पर भी चल जाएगी और वो जो जेम्स बॉन्ड वाले होते हैं वो नदी में भी चल जाती है तो <laughs> तो आपको वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गई ठीक है तो वही चीज़ है कि वो सेम ही चीज़ है बट वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर चल रही है तो जावा में यही होता है कि आपने एक बार कोड लिखा उसको एक बार कंपाइल किया अब एक कम्पाइल का मतलब क्या है बाद में सीखेंगे एक बार आपने उसे कंपाइल किया तो आप उसके बाद उसे उस कंपाइल्ड कोड को आप उसे आप विंडोज़ में रन कर सकते हो उसे आप मैक में रन कर सकते हो और उसे आप लिनक्स में रन कर सकते हो तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है ये तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है बिकॉज उसके बाद हम इसे काफ़ी सारे अलग अलग डिवाइसिस में रन कर सकते हैं जहाँ पर पहले बाकी लैंग्वेज पॉसिबल नहीं थी ओके okay. ओके okay, तो वाई लर्न जावा कि जावा क्यों सीखें तो इसके बारे में याद कर लेते हैं ईजी टू लर्न यार मतलब जावा आपको शुरुआत में लगे कि यार ये क्या ख़तरनाक है इसमें तो सिंपल मेरे को लिखना था एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम और ये क्या ऊपर नीचे चार लाइन नीचे चार लाइन ये क्या है भाई पाइथन में लिख दो सिर्फ एक प्रिंट हेलो वर्ल्ड और वो हो जाता है तो जावा के अंदर यार जो भी चीज़ है ना जो भी चीज़ लिखी है उसका एक मतलब है ठीक है तो जावा ईजी टू लर्न है शुरुआत में एक लर्निंग कर्व है बट ईजी टू लर्न है ये काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ का एक मतलब है तो आप समझोगे हर चीज़ की अहमियत को ठीक है आप जानोगे कि हर चीज़ काम कैसे कर रही है आप सिस्टम लेवल तक जानोगे कि हर चीज़ काम कैसे कर रही है तो ये ईजी टू लर्न है और साथ में आपके काफ़ी सारे फंडे क्लियर होते हैं इसके अंदर कि आपका एक्चुअल में कोई लैंग्वेज काम कैसे करती है ठीक है कुछ भी अपने आप नहीं हो रहा होता सब कुछ सामने होते हुए दिख रहा होता है तो ये फ़ायदा फा, है मोस्ट कॉमनली यूज लैंग्वेज इन द वर्ल्ड तो आज आज के टाइम पे काफ़ी काफ़ी सारे डिवाइसेस हैं जो जावा पर रन हो रहे होते हैं आपको पता भी नहीं चलता और आपके आपका जो स्मार्टफोन है जो एंड्रॉयड है वो आपका जावा पर रन हो रहा है एंड्रॉड की एप्लीकेशन आपकी जावा पर रन हो रही है आपको पता भी नहीं चलता और काफ़ी सारे आपके आसपास के डिवाइसेस जो आपकी सैटेलाइट्स हो गई हैं और आपके मार्स रोवर हो गए काफ़ी सारी जगहों पे आपको पता भी चलेगा और जावा वहाँ पर रन हो रही होगी तो आजकल हर जगह जावा रन हो रही है काफ़ी ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज लैंग्वेज है लार्ज कम्युनिटी मोर देन टेन मिलियन जावा डेवलपर्स इन द वर्ल्ड तो आज के टाइम पर जावा के टेन मिलियंस के करीब डेवलपर्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी वैल्यू कम हो रही है इसका मतलब ये कि आपको सीखने के लिए रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं ठीक है इसका मतलब ये है कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है इसका मतलब ये कि रहने वाली है ये एकदम से गायब नहीं हो जाएगी ये लैंग्वेज तो काफ़ी ज़्यादा सेफ़ लैंग्वेज है काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं तो काफ़ी बड़ी कम्यूनिटी भी है इसकी फिर काफ़ी ज़्यादा अगर आपको कहीं भी आप स्टक हो रहे होते हो तो वो जो प्रॉब्लम आपको आ रही है वो टेन मिलियन में से किसी ना किसी और को आ ही रही होगी तो आपको उसका सोल्यूशन पक्का मिल जाएगा कहीं ना कहीं तो ऐसा नहीं है कोई नई लैंग्वेज नहीं है अभी अभी जो अभी अभी नहीं नि -नि निकल के आई कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है और आप बोलोगे यार ये प्रॉब्लम तो पूरे वर्ल्ड में मुझे आ रही है ऐसा नहीं होगा आपको सोल्यूशन उसका पक्का पक्का मिल ही जाएगा जावा इज़ यूज एट मैनी प्लेसेज सर्वर्स आई ओ टीज़ एंड्रॉयड बेग डेटा कंटिन्यूअस टेस्टिंग बैंकिंग कम्युनिकेशन एंड मोर एंड मनी मैनी मोर तो जावा यार आजकल काफ़ी जगहों पर यूज़ हो रहा है सर्वर्स में सर्वर्स मतलब जो आपके बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं जो भी आपका डेटा सारा का सारा स्टोर है वो सर्वर्स और आई ओ टी जो इन्फॉर्मेशन ऑफ सॉरी इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं बेसिकली आपकी जो डिवाइस आजकल इंटरनेट से कनेक्टेड है आपके सारे के सारे आपका आपका फ्रिज आपका आपकी एलेक्सा आपकी कार ये सारे जो कनेक्टेड हैं ये सारे आई के अंडर आते हैं एंड्रॉयड आपके जितने भी डिवाइस हैं आपका बिग डेटा जो मतलब काफ़ी सारा आजकल डेटा का कलेक्शन हो गया है तो उनको उसको कैसे मैनेज करना है टेस्टिंग में आपकी बैंकिंग के अंदर जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कम्युनिकेशन आपके जो वायरलेस कम्युनिकेशन होते हैं उनके अंदर तो आपका आज आज के टाइम पर जावा आपके हर जगह पर यूज़ हो रहा है तो जावा काफ़ी जगहों पर यूज़ हो रहा है तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू लर्न जावा ओके तो जावा टूल्स लाइक आईडीईज एंड बिल्ट इन एपीआई फीचर्स मेक मेक लाइफ सिंपलर तो इसका मतलब क्या है कि जावा uh, यार बेसिकली आप आपको जावा का प्रोग्राम रन करने के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ें चाहिए एक जावा का कोड जो आप सिंपल नोट पैड में भी लिख सकते हो और एक जे डी के जावा डेवलपमेंट किट इसके बारे में बात बात करेंगे तो आपको ये दो चीज़ें चाहिए बेसिक बेसिकली और आप इसको आराम से जावा को कम, कम, कम प्रोग्राम को आप कंपाइल कर लोगे और आप इसे रन कर लोगे सिर्फ ये दो चीज़ें चाहिए बट जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं आपको अगर मान लो सिंपली आपको एक बड़ा सा एक ऐप बनाना आपको अपना खुद का एक छोटा सा फेसबुक बनाना है तो वो यार आप सिंपल नोट पैड पर नहीं कर सकते तो कुछ आईडीज़ होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट तो ये आपको प्रोवाइडेड uh, होते हैं जावा के अंदर और ये आपकी लाइफ को काफ़ी इजियर बनाते हैं इसके अंदर आप डायरेक्टली आप कोड uh, को अपना मेंटेन कर सकते हो आप अपना वर्कफ्लो चेक कर सकते हो और भी काफ़ी कुछ कर सकते हो आप डायरेक्टली कोड को रन कर सकते हो वहीं से वहीं आप डायरेक्टली उसे कंपाइल कर सकते हो तो आप आ, डीबग कर सकते हो आप डायरेक्टली वहीं से तो ये सारी चीज़ें अगर आपको अभी फिलहाल समझ में नहीं भी आ रही है तो टेंशन मत लो बेसिकली जो आई डी ईज़ होते हैं उन उनमें से हम एक आई यूज़ करने वाले हैं हम इक्लिप्स आई यूज़ करने वाले हैं और भी काफ़ी आई होती है जैसे नेटबींस हो गई आपकी इंटेलिजेंट हो गई ये सारी सारी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होते हैं और ये आपकी लाइफ को काफ़ी ईजियर बनाते हैं ओके तो फाइनली यार एक कोर्स इसका कोर्स स्ट्रक्चर है वो हम डिफाइन देख लेते हैं कैसे होने वाला है तो बेसिक जावा के बेसिक में हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं बेसिकली आपका ओवरव्यू एंड फीचर्स ऑफ जावा सेटिंग अप जावा एन्वायरमेंट ये सारी दो वीडियोज़ होंगी और डेटा टाइप्स एंड आइडेंटिफायर्स वेरिएबल्स एंड टाइप कास्टिंग समझ में नहीं आ रहा होगा बट इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम अलग अलग लेक्चर्स में ऑपरेटर्स कंडीशन स्टेटमेंट्स लूप्स एरे स्ट्रिंग्स म्यूटेबल स्ट्रिंग्स और भी बहुत कुछ होगा जो इसके बीच बीच में होगा छोटे छोटे टॉपिक्स ठीक है तो वो आपके बेसिक्स हो गए उसके बाद आते हैं ऊप्स Oops, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम्स ठीक है तो इसके अंदर जो कंसेप्ट होते हैं जो आपको पहले बताए थे कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को डिफाइन करने काम में आते हैं तो वो आपको आपके जितने भी इसके अंदर हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे ठीक है तो इनके भी अपने अपने लेक्चर्स होंगे क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स मैथड्स कंस्ट्रक्टर मैथड ओवरलोडिंग और ये सारे टॉपिक्स जो आप यहाँ पर देख सकते हो ठीक है तो इनके लेक्चर्स होंगे जो आपको पढ़ाए जाएंगे ओके okay. उसके बाद ये डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट आ जाता है यहाँ पर थोड़ा सा आपकी लिस्ट सेट मैप ये सारे इंटरफेसेस आपको पूरे डिटेल में पढ़ाए जाएंगे ठीक है और इनकी खुद की इम्प्लीमेंटेशन जो जावा प्रोवाइड करता है वो और साथ में हम खुद भी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि हम खुद का मैप खुद का सेट ये कैसे बना सकते हैं ठीक है तो काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज आपको गेन करें आप गेन कर, करोगे यहाँ पे एल्गोरिथम्स और डेटा स्ट्रक्चर की तो अब थोड़ा सा जान लेते हैं यार कि जावा काम कैसे करता है ठीक है हाउ जावा वर्क्स तो सबसे पहले क्या होता है जावा का एक प्रोग्राम होता है कोड होता है कोड हम देख लेंगे कैसा होता है अभी कुछ देर में तो जावा का एक कोड होता है उसको बोलते हैं जावा सोर्स कोड बेसिकली कोड को सोर्स कोड बोलते हैं और उस फाइल का जो एक्सटेंशन होता है ना एक्सटेंशन मतलब जैसे डॉट पी डी एफ डॉट जे पी जी वैसे डॉट इसमें डॉट जावा लगा देते हैं ठीक है ये फाइल होती है उसको कंपाइल करते हैं अब कंपाइल क्या करते हैं कंपाइल का मतलब बेसिकली उस कोड को जो इंग्लिश में लिखा हुआ है थोड़ा थोड़ा उस कोड को जीरो वन जीरो वन जो मशीन कोड जो बेसिकली जो कंप्यूटर को समझ में आएगा उस कोड में तब्दील कर देते हैं ठीक है तो जावा कंपाइलर एक बेसिकली एक छोटा सा प्रोग्राम या फिर एक सॉफ्टवेयर है बेसिकली ये समझ लो ये कि ये ट्रांसफॉर्मेशन करने का काम करता आपके है आपके कोड को बाइट कोड में चेंज करने का काम करता है तो इस कोड को कहते हैं बाइट कोड इसकी एक्सटेंशन होती है डॉट क्लास तो अभी हम देखेंगे कैसे ये कन्वर्ट हो रहा है उसके बाद जो आपको बताया था मशीन इंडिपेंडेंट है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है उसके बाद आप बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर उनके जे में आप इस बाइट कोड को रन कर सकते हो तो बेसिकली राइट वन रन एवरीवेयर का कंसेप्ट इसके अंदर फॉलो होता है तो अभी हम एक प्रोग्राम रन करके देखेंगे कैसे काम करता है क्या तो आ, बेसिक आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि हाउ जावा वर्क्स की जावा एक्चुअली काम कैसे करता है मोटा मोटा कैसे काम करता है बट फिर भी यार काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि भैया ये आपने तो थ्योरी थ्योरी बता दी कुछ प्रैक्टिकल करोगे तो मज़ा भी आएगा ठीक है तो एक बार एक कोड रन करके देख लेते हैं यार पूरा का पूरा फ्लो देख लेते हैं कि कैसे डॉट जावा कंपाइलर से होकर जाता है तो डॉट क्लास फाइल बनती है और फिर उसे कैसे रन करते हैं तो वो कैसे रन होता है तो यहाँ पर यार ये मैक मशीन है मेरी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपका अगर विंडोज़ भी होगा तो पूरा बता दिया जाएगा कि कैसे इंस्टॉल करना है कैसे क्या करना है बेसिकली हम हमें पे एक छोटा सा प्रोग्राम रन करके देख रहे हैं कि एक्चुअली जावा कैसे काम करता है वो प्रैक्टिकली कैसे काम करता है तो सबसे पहले एक फाइल बनाते हैं एक जावा का छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं और उसका जैसे बताया कि सोर्स फाइल होगी वो तो उसका एक्सटेंशन होगा डॉट जावा तो एक छोटी सी फाइल बनाते हैं तो पब्लिक क्लास माय फर्स्ट क्लास तो इसमें से काफ़ी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा अगर आप नए हो तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा बट टेंशन मतलब यार धीरे धीरे करके आपको पूरा समझ में आ जाएगा पूरा आपका कोड पता चलेगा कि कैसे काम कर रहा है वो आने वाली वीडियोस में समझाएगा ठीक है आज ही कुछ नहीं सारा समझ लोगे ठीक है आज बस ये जान लो कि कैसे एक्चुअली काम करता है स्ट्रिंग, ठीक है तो ये फाइल यहाँ पे बन के तैयार होगी एक छोटा सा प्रोग्राम है जो यहाँ पे ये प्रिंट करने वाला है जो आपको यहाँ दिख रहा होगा हाई आई एम लर्निंग जावा ओके तो इसको रन इसको सेव कर लेते हैं तो इसको मैं यहाँ सेव करने वाला हूँ जावा ट्यूटोरियल्स के अंदर ना जावा ट्यूटोरियल्स में नहीं उससे पहले ही आ, तो इसका नाम जो होगा वो ये नाम होगा जो यहाँ पे पब्लिक क्लास माई फर्स्ट क्लास दिख रहा है एग्जैक्ट ये नाम होना चाहिए वरना काम नहीं करेगा ये क्यों काम नहीं करता कैसे काम नहीं करता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो सब आपको बाद में बताया जाएगा ठीक है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं ज़्यादा माई फर्स्ट क्लास डॉट जावा ओके ये इसी हो गई यहाँ पर आपको माई फर्स्ट क्लास डॉट जावा दिख रही है तो सबसे पहले एक टर्मिनल खोलते हैं और uh, तो मैंने यहाँ टर्मिनल खोल लिया ये उसी फोल्डर पर पॉइंट कर रहा है आपको देख लेते हैं इसमें वो फाइल प्रेजेंट है कि नहीं है तो यहाँ पे ये आपको दिख रही है माई फर्स्ट क्लास डॉट जावा यहाँ पे प्रेजेंट है ओके तो सबसे पहले हमने क्या बताया था इस डॉट जावा फाइल को पहले कंपाइल करेंगे और एक डॉट क्लास फाइल बनेगी जो होगी बाइट कोड ओके okay, तो हम इसको एक बार कंपाइल कर लेते हैं तो कंपाइल करने के लिए जावा सी माई फर्स्ट क्लास डॉट जावा अच्छा ये पूरा पूरा अपने आप टाइप टाइप कैसे होता है थोड़ा सा लिख के टैब दबा दो अगर वो मैचिंग होगा तो वो अपने आप टाइप अपने आप ऑटो कम्प्लीट हो जाएगा ठीक है टैब ओके तो जावा सी माई फर्स्ट क्लास डॉट जावा क्या करेगा जावा सी कंपाइलर है जो कि इस जावा फाइल को कंपाइल कर देगा और यहाँ पर देखो ये डॉट क्लास फाइल बन गई जो यहाँ पर पहले प्रेजेंट नहीं थी ठीक है तो बेसिकली ये एक बाइट कोड वाली फाइल है जो कि एक्चुअली कंपाइल्ड वर्जन है अब इसको आप रन कर सकते हो इजीली तो रन करने के लिए क्या करोगे आप जावा माय फर्स्ट क्लास सिंपली और यहाँ पे आपका प्रिंट हो गया ठीक है हाई आई एम लर्निंग जावा ठीक है तो कॉन्ग्रेचुलेशन यार आपका फर्स्ट प्रोग्राम आपने रन कर लिया अगर आपने आ, आपने पहले से जे और ये सब इंस्टॉल किया हुआ था तो आपका प्रोग्राम चल गया होगा अगर आपका कंप्यूटर कह रहा है कि भैया जावा सी कैन नॉट बी फाउंड और जावा कैन नॉट बी फाउंड तो टेंशन मतलब यार बेसिकली आपके कंप्यूटर में अभी जे इंस्टॉल नहीं है अभी इसकी इंस्टॉलेशन कैसे करनी है प्रोग्राम कैसे रन करना है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे तो आज की वीडियो में यार इसका पूरा इंट्रोडक्शन देख लिया आपने कोर्स का कि कैसे कोर्स पूरा चलने वाला है आपके होपफुली काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे आपको पता चलेगा कि जावा कैसे काम करता है और हमने एक छोटा सा प्रोग्राम भी रन करके देख लिया कि जावा एक्चुअली काम कैसे करता है तो तब तक के लिए यार चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंस्टॉलेशन के बारे में देखते हैं ठीक है यार आज का ये इंट्रोडक्शन हो गया और बेसिकली यही है यार कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा ठीक है थ्रू आउट द कोर्स आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा ये गेम ऐसा है कि अगर आपने एक बार छोड़ दिया तो आप लूज़ कर जाओगे आपको पूरे टाइम कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा जो लगा रहेगा वही बाजी मार लेगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे इसको इंस्टॉल करना है जावा जब और हम और भी काफ़ी चीज़ों के बारे में बात करेंगे ठीक है तब तक के लिए यार चलते हैं सी यू हैव अ गुड डे बाय